अंदर की बातें जानेंगे एमजे, वो बातें जो इन्होंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं की है, उम्मीद है हमारे साथ शेयर करेंगे। चलते हैं सबसे पहले जन्नत मिर्जा की तरफ। जन्नत, आप ये बताएं कि ऐसी क्या बात थी, किसने आपको इतना मोटिवेट किया या इंस्पायर किया? आप टिकटॉक पर आई, कैसा रिस्पॉन्स रहा, किस चीज ने आपको इतना प्रमोट किया कि आप आज? सबसे पहले तो अलिश्वा बनाती थी और मैं इसे देख के कहती थी क्या पागल लगी रहती है, फोन हाथ में होते है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, ट्रांजिशंस बनाती थी बहुत। तो फिर एक दिन वैसे मैं लेटी हुई थी, मैं इसकी वीडियो देख रही थी, मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने इंस्टॉल किया और पहले मैंने वीडियोज बनाई 3-4 और मैंने अपलोड कर दी, तो उस पर कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट फिर 5-6 महीने बाद जब मैंने दोबारा खोली ऐप तो वो वायरल हुई हुई थी। मैंने सुना है आप कोई फिल्म भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, आप कुछ उसके बारे में बताएंगी? जी बिल्कुल बताऊंगी। ये मूवी है बाजरे दी राखी और ये पंजाबी मूवी है और ये सैयद नूर डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें लीड रोल मेरा है। और ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी इस चीज में नहीं थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में इन होना है, बट फिर वो इतने प्यार से हमारे घर आए, वो आए, साइमा जी आई, तो उनको इनकार नहीं कर सके। बड़ी अच्छी बात है। एमजे, आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अलिश्वा। अलिश्वा, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने वीडियो बनाई और उसके बाद अब जब वीडियो बनाती हैं, यकीनन एक बिहेवियर में फर्क आ जाता है जब इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, तो आपको क्या ऐसा लगता है इनमें और क्या आप में ये चीज आई? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरे लिए जब ये मतलब बिल्कुल चेंज नहीं आया, तुम पहले भी ऐसी थी अब भी ऐसी। अच्छा, वीडियोस में वो बिहेवियर की बात कर रही हूँ। रिस्पॉन्स, इनका डायलॉग थोड़ा उस तरह तक का था ना, तुम पहले भी इसी इतनी हसीन थी या वक्त ने किया कोई हसीन से? आपने पूछा ऐसे है ना, मैंने ना असल में लेम बातें बहुत करता हूँ, आपको मजबूरन हंसना पड़ेगा मेरी बातों पे। मैं भी इनकी टिकटॉक पहले देखता था, इनकी रिजा की और भी लोगों की देखता था, और आई गेस आपको मेरे साथ ही फिर वेरीफाइड अकाउंट वाला अकाउंट मिला था। वो फीलिंग क्या थी उस वक्त, आप क्या कर रही? उस वक्त मैं बस जम कर रही थी, काफी ज्यादा मैं उछल रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। किसने बताया था आपको? मैंने खुद देखा था, मैं सुबह उठी, शायद मुझे हिबा ने बताया था कि तुम्हारा हो गया है, तो मैंने देखा तो नोटिफिकेशन आया था, मैं बहुत खुश हो गई थी। आप दोनों में जेलसी फैक्टर अभी पाया जाता कि ये इसके ज्यादा फॉलोअर्स क्यों नहीं? फॉलोअर्स से बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम तीनों में ऐसे होता है कि अगर जेलसी को मैं करूँ तो इस चीज में होती है कि मामा पापा शहर से ज्यादा प्यार करते, इस बात पे मैं भी रोने लग जाती हूँ कभी कभी, वो भी रोने लग जाती है। क्यों, ऐसी क्या? वो अपने मुंह से कहती है कि मैं लाडली, सबसे बड़ी है लेकिन सबसे छोटी को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मुझे सबसे ज्यादा मैं लाडला प्यारा हूँ, लेकिन यहाँ उल्टा ही हिसाब है, आप सबसे बड़ी हैं और आप सबसे लाडली हैं, क्यों? मेरा तो ये ख्याल है कि हम तीनों को इक्वली प्यार मिलता है, जैसे हैं उसकी अपनी पूरी उसको मिलता है वो तो कहता है ना, फिर ऐसे जिसको नहीं मिलता वो भी बोलता, रोने ना लग जाना। जब आप तीनों इकट्ठी जाती हैं तो आवाम सबसे ज्यादा सेल्फी लेने के लिए किसके साथ आती है? जन्नत, अलिश्वा? दोनों आई गेस, दोनों के साथ। वैसे तो आवाम को पता ही नहीं चलता होगा जन्नत कौन सी और अलिश्वा, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी अलिश्वा आने लगता है जन्नत आती है, रिसेम्ब्लेंस नहीं है तो वो काफी मैं देर से देख रहा था कि आप हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, हंसी। आज ना हमने आप लोगों के लिए एक वेपन बुलाया है, वो है शहर। आपकी जो हमारा सेगमेंट है ना अंदर की बातें, वो उनसे निकलवाएंगे, तो आप बताएं, पहले तो ये बात बताएं कि आपको टिकटॉक का कैसे शौक चढ़ा और इन दोनों में से आपकी फेवरेट कौन? मेरी फेवरेट मतलब अच्छी बनाती है, इसीलिए मैंने मुंह तोड़ देना कि झूठ बोला। 18 झूठ बोल रहा है। मैं बता दूं, अपनी बता रही हूँ कि जन्नत की बता रही हूँ? नहीं नहीं, आपसे बाद में पूछूंगी। ओके, 19। आप बताओ, दोबारा पूछे और ऊपर जाएंगे। 19, ओके, आप बताओ। 19। बर्थ ईयर क्या बना? ये भी कंफर्म। अभी कंफर्म नहीं है। डेट कौन से? डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर। मैंने कहा 14 अगस्त 9 बजे, जैसे वो इतना मजाक कर रहा था, अब जन्नत ना कहीं मजाक कर ले। आप बताइए, हाउ ओल्ड इज शी?
लड़कियों के अक्सर मैं देख रहा था कमेंट्स आ रहे होते हैं सेक्सी सेक्सी और उसके नीचे मजे की बात समी ने और शेरान ने ना गुस्से वाले इमोजीज डाले होते हैं क्यों क्योंकि इनको लोग गलत प्रेडिक्ट कर जाते हैं नहीं पता नहीं क्यों वो ज्यादा प्यार है क्या रीजन है आप जो नीचे कमेंट्स करते जाते हैं गुस्से वाले करते थे ना इमोजीज दे देते उसके वीडियो आपको नहीं होता जब ये कहीं जाते तो इसकी फैन फॉलोइंग फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत है अच्छा आपको कंफ्यूजन है इस चीज से बहुत ज्यादा कितनी ज्यादा बहुत शरान आप कॉलेज गोइंग हो यू आर नॉट व्हाट्स योर एज देन 19 आर यू श्योर लाइक 19 और समी की अंदर की मजीद बातें जानते हैं एक फौरन सवाल का जवाब मुझे चाहिए मजीद टिक टिक आपकी हम कुछ लगाएंगे सबसे इंडिविजुअली पूछा जाएगा आप लोगों ने बताना है कि कौन है जिससे आप लोग टिकटॉक पर थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं किसी से भी नहीं मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है और जो लगाते हैं वो उनकी मर्जी है बट मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है मैं चाहे आगे जा रही हूँ पीछे जा रही हूँ मुझे वो मैटर नहीं करता बस जो मेरे फैंस हैं वो मुझसे खुश हैं ये मैटर करता है अलिश्वा आप बताएं कोई एक नाम टिकटॉक पे जिससे आपको थोड़ी बहुत जेलसी होती है थोड़ी बहुत एक परसेंट मैं शुरू से ऐसे बनाती आई हूँ मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता लाइक्स वगैरह से बस शौक में नहीं तभी फॉरन ब्लू टिक देखना था वो तो बस खुशी होती है ना कि मतलब मेहनत कर रहे हो आप लोग इतने सालों से निकाल रहे सैफ आप बताइए या किसी एक से कोई एक नाम तो होगा जुल्कर्नैन होगा या कोई आरिज होगा नहीं जेलसी ये मतलब नहीं है हमारा कहने का कि मतलब बहुत ही बुरा लगता है ये है वो होता है कभी कभी नहीं, यार नहीं होता नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं लड़कों में ये फैक्टर कम पाया जाता है लड़कियों में होता है लेकिन लड़कियां खामोश होती तो इतनी बनाते भी नहीं है क्यों लॉकडाउन हुआ है लॉकडाउन जो है दिल का हुआ है यहाँ मामला दिल का भी है दिल पर भी आते हैं आप भी एक नाम दे जो टिकटॉक पर आप कहें कि नहीं नॉट बेटर देन मी कोई एक तो होना चाहिए वैसे ही मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ या मुझे कुछ हो तो मैं उसकी वीडियो देख लेता हूँ लेकिन किसी से कोई कंपटीशन या कोई नहीं है अब आप सबसे ये जान लेते हैं कि टिकटॉक स्टार्स तो आप सब हैं ही सबके दिलों में मौजूद है लेकिन कभी फैमिली की तरफ से कोई इश्यू आया हो कि यार अभी नहीं कभी रोका हो कभी भी नहीं बहुत सपोर्टिव है और अक्सर तो मैं अपनी खाला को ले आती हूँ वीडियो में मामा को मामा प्लीज एक में आ जाए मामा आ जाते हैं बहुत सपोर्टिव है कभी इस तरह की कोई बात नहीं आपकी मामा तो माशाल्लाह वाकई बहुत सपोर्ट करती है मेरी भी फेवरेट है आप जो है सैफ आपकी कितनी फॉलोइंग है किसी ने आपको प्राइवेटली अप्रोच किया लाइक आई लाइक यू और समथिंग लाइक दैट ये रही ना अंदर की बात की रही लॉकडाउन की बात जो दिल की बात थी सच सच बता दो कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आप नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो फिर लॉकडाउन वाला क्या मामला था एमजे लॉकडाउन मुझे इतने मैसेजेस आते हैं यार सैफ का नंबर दे दो मैसेज बोलता हूँ लड़की का नाम होता है और मैं खुश होता हूँ इसके ब्रेकअप से हो जाने आज रात ही ब्रेकअप ओह माय गॉड दो एक सवाल इसको ले डूबेगा यार दो लोग हैं जिनके ब्रेकअप्स की बात चली एक आपकी और एक आपकी आपका क्या एक आपकी मेरी तो बस ना ही बात करें मैं वाकई सिंगल हूँ आप सिंगल हैं ये सारे रास्ते हमें बेवफा वाले गाने सुनाता हुआ है बेवफा वाले पता नहीं कौन धोखा देगा अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर आप लोगों ने रैपिड फायर तो पहले आइडिया होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने ये चेंज किया है कि हम सिर्फ इंसानों के नाम नहीं देंगे हम थिंग्स के भी नाम बीच में हमारा सबसे पहले आपकी तरफ आते हो बॉल कवल वन टू कवल मेकअप आइसक्रीम
बस है बारिश एजुकेशन स्टार लव जान जन्नत जान डर्टी माइंड कौन समी हारने के चक्कर में समी को गलत है